तो लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर 18वां मैच है पीएसएल का और दोनों ही टीमें अपने मैचेस खेल चुकी हैं 5-5। अपोजिट है, एक है टॉप ऑफ द टेबल, दूसरी है बॉटम ऑफ द टेबल। एक टीम 5 में से 4 मैच जीत चुकी है, एक टीम 5 में से 4 मैच हार चुकी है। तो कोयटा की साइड बज़ाहिर तो बहुत बड़ी है लेकिन अब तक पीएसएल में कुछ खास कर नहीं दिखा पाई। लाहौर कलंदर अपना एक मैच हारा कराची से, तो उसके बावजूद वो टॉप ऑफ द टेबल है। साइड उसकी इतनी खास नहीं थी लेकिन सैम बिलिंग्स और राशिद खान के आने से टीम काफ़ी बैलेंस हो गई है। इनकी टीमों पर नज़र मारते हैं तो टीमें, दोनों टीमें ही जाहिर है पीएसएल है, इनकी जो कैटेगरी है प्लेयरों के चुनाव की वो खासी अच्छी है, जिसकी वजह से तमाम टीमें बैलेंस ही बनती हैं। तो जो लाहौर कलंदर की टीम है उसमें इनके, अच्छा मैं लाहौर कलंदर की टीम से पहले एक बात आपको बताऊं कि इसके अंदर इनका जो अब स्ट्रक्चर है वो है बिग बैश की टीम पर स्कॉर्चर्स की तरह। इनकी कोशिश है कि अपने लोकल लड़कों पे ज़्यादा डिपेंड किया जाए। अब जिस तरह फ़खर जमान के साथ ओपन कर रहे हैं ताहिर बेग, कभी किसी ने ना इसको डोमेस्टिक में देखा ना कहीं और, ये इनकी अपनी दरियाफ्त है। उसके बाद हुसैन तल्लक हैं, ये कर्से से खेल रहे हैं, इन आउट हो रहे हैं पाकिस्तान टीम, पाकिस्तानी कलर भी लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी साइड जो है काफ़ी बैलेंस साइड है। फॉरेन प्लेयर के अंदर डेविड वीसे कहीं नहीं खेलते, सिर्फ ये लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज के लिए अवेलेबल होते हैं। सिकंदर रजा बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में जा रहे हैं पिछले पूरे एक साल से। राशिद खान, जिनको सारे ही जानते हैं और मानते भी हैं, राशिद खान किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उसके बाद अब सैम बिलिंग्स ने ज्वाइन किया है, अब उसके साथ हैरी ब्रोक भी आज या कल टीम को शायद ज्वाइनिंग दे दें। तो टीम तो बॉस बहुत बड़ी टीम है इनकी, नो डाउट। इनके लोकल प्लेयर भी शाहीन शाह अफरीदी, दुनिया का नंबर वन बॉलर इस टाइम है, आरिस रऊफ पेस मास्टर, और उसका जो साथ दे रहे हैं जमान खान, कमाल बॉलिंग कर रहे हैं, अपनी लाइन और लेंथ लिंगा स्टाइल में बॉल करते हैं। यकीनन हिट लगाने इन्हें काफ़ी मुश्किल होता है, हालांकि पाकिस्तानी बाउंड्रीज हैं, काफ़ी शॉर्ट होती हैं, बॉल बल्ले के लगते ही ऐसे जाता है जैसे जाने का हक हो। तो दूसरी तरफ टीम देखी जाए कोयटा की, वो भी खासी तगड़ी टीम है लेकिन वो टीम अभी तक क्लिक नहीं कर पा रही। हालांकि उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि जैसन रॉय है, मार्टिन गुप्टल है, विल समीद है, ओडीन स्मिथ है, हसरंगा आ नहीं पाए, और उसके अलावा जो लोकल प्लेयर हैं इफ्तखार अहमद बेहतरीन फॉर्म में जा रहे हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं पाकिस्तान के बेस्ट ऑलराउंडरों में एक ऑलराउंडर हैं, और फास्ट बॉलिंग का जो टेस्ट है मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह की सूरत में, यकीनन बहुत बड़ी साइड है। लेकिन साइड बड़ी होना कुछ नहीं, एक तो कुछ ऊपर से आर्डर हो तो फिर खेलें, दूसरा टीम का क्लिक करना। वो टीम क्लिक क्यों नहीं कर पा रही, उसकी वजह यही है कि कम्बिनेशन नहीं, एंड टाइम के ऊपर हसरंगा का धोखा देना, एनओसी ना मिलना उसका लंदन बोर्ड से बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बात करेंगे हम इनके आज के मैच पे। आज का मैच इनका खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 7 बजे, और मैच बहुत तगड़ा है। गूगल प्रिडिक्शन के मुताबिक 30% सिर्फ कोयटा और 70% लाहौर के चांसेस हैं ये मैच जीतने के। तो पीएसएल का पहला फेज़ मुल्तान और कराची में हुआ, उस पर मुकम्मल वीडियो बनाएंगे कि पहला फेज़ कैसा हुआ, दूसरा कैसा हुआ और इसके प्लेऑफ्स कैसे होंगे। उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और हम आपसे कोई मिन्नत समाजत नहीं करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियोज़ और हमारी बातें अच्छी लगे तो ज़रूर उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जितने दोस्तों को हो सके।